गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 1:10:27। मैं हूं आपके साथ अंजू, स्वागत करती हूं आप सभी का और सुनाते हैं आपको कार्यक्रम गीत सुहाने, जिसमें आप सुनते हैं गुजरे जमाने के बहुत ही बेहतरीन और मनमोहक नगमे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ पहली फिल्म आवारा, जिसको गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, आवारा। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ, चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात, बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम, आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा,
नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दोस्तों बात करते हैं 1951 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म जिसका नाम था बादल। इस फिल्म को बनाया था अमिय चक्रवर्ती ने और ये प्रोड्यूस की थी भगवान दास साहब ने। मधुबाला प्रेमनाथ इसके मुख्य कलाकार थे और ये एक बदला लेने के ऊपर कहानी थी और उस वक्त ही मई में रिलीज हुई थी और ये उस वक्त की बहुत ही हिट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म का साउंड ट्रैक शंकर जयकिशन द्वारा बनाया गया था। गीत लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने और इनको गाया था लता मंगेशकर मधुबाला के लिए और मुकेश ने गाया था प्रेमनाथ के लिए। और दोस्तों कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसकी प्रचार के लिए रिक्शा चालकों द्वारा जो उनका रिक्शा था उसके बैनर दोनों तरफ लगाए गए और वाहन पर लाउड स्पीकर के साथ एक आदमी बैठता था जो जनता से घोषणा कर रहा था कि फिल्म जल्द ही फलां थिएटर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली पूरी की थी। कुल मिलाकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल फिल्म साबित हुई थी और कहा यह जाता है कि उस दौर के हिसाब से उस फिल्म ने उस वक्त 50 लाख की कमाई की थी जो आज के हिसाब से आप हिसाब लगा के देखिएगा। तो चलिए सुनाती हूँ उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शंकर जयकिशन का संगीत है।
जुलाई 1951 को प्रदर्शित भारतीय हिंदी फिल्म जिसका नाम था बाजी। इसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया था और ये देवानंद की प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी। एक बार हमने पहले भी बताया था कि संघर्ष के दिनों में जब देवानंद और गुरुदत्त ने अपना सफर साथ शुरू किया था तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जब वो सफल भी होंगे तब एक दूसरे का साथ जरूर निभाएंगे, और उसी वादे को पूरा करते हुए ये फिल्म बनाई गई। ये पहली देश की कहा जा सकता है कि क्राइम फिल्म थी और ये फिल्म अपने आप में बहुत सफल रही थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद, गीता वाली और कल्पना कार्तिक, और इस फिल्म का जो संगीत था वो बहुत ही मशहूर हुआ। इस फिल्म का संगीत दिया था एसडी बर्मन साहब ने। एक अखबार के मुताबिक इस फिल्म को मील का पत्थर भी कहा गया, जिसे आमतौर पर बॉम्बे नायर कहा जा सकता है। इसे फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की सूची में रखा गया। तो चलिए सुनाती हूँ उसी फिल्म का ये गीत आपको, गीता दत्त की आवाज में। फिल्म है बाजी। आज की रात पिया दिल न काड़ो, मन की बात पिया मान लो। आज की रात पिया दिल न काड़ो, मन की बात पिया मान लो। आज की रात पिया दोस्तों बात करते हैं 1951 की ही एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म, और जिससे एक बेहद ही बेहतरीन कलाकार ने अपने अभिनय की शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं 1951 में प्रदर्शित फिल्म
बहार की। ये फिल्म एमवी रमन द्वारा लिखित और निर्देशित की गई थी और ये फिल्म 1949 की दक्षिण भारतीय फिल्म वाजगई की रीमेक थी। इस फिल्म में वैजंती माला और पंडरी बाई ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहली भूमिका निभाई और इसके अलावा मुख्य भूमिका में करण दीवान के साथ प्राण, ओम प्रकाश, लीला मिश्रा, सुंदर और तबस्सुम ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म दक्षिण में जब वाजगई को के नाम से जबरदस्त सफल रही तो इसी वजह से इसको हिंदी में भी बनाया गया और अभिनेत्री के रूप में वैजंती माला को लिया गया, जिसके तमिल और तेलुगु संस्करण में भी उन्होंने ही भूमिका निभाई थी। और इस तरह से हिंदी फिल्मों में शुरुआत करने वाली वो महिला बनी। कसूर आपका। चलिए सुनते हैं उसी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में की। लीजिए न मेरे बाप का कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट राइट टर्न, लेफ्ट राइट अबाउट टर्न। गुस्से को छोड़िए धीरे धीरे बोलिए, मेरी सरकार जरा आंखों को खोलिए। फैशन को भूल के आओ जरा होश में, धोखे में आओ ना जवानी के जोश में। फायदा है क्या झूठी टीप टाप का, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कोई बात कीजिए तो पहले तोल के, चलिए न चाल ऐसे डोल डोल के। हुस्न का हुजूर को बड़ा मान है, हुस्न चार रोज का मेहमान है। कहाँ जाएगा गरूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट अबाउट टर्न। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हमने पाने के बाद तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया हमने। मिला था ना जब तक जुदा, मतलब ना
जब तू समाने लगा तेरा नाम होठों पे आने लगा हुए हम तेरे एक जमाने के बाद हुए हम तेरे एक जमाने के बाद तेरी याद आई तेरी याद आई तेरे जाने के बाद तेरी याद आई तुझे खो दिया हमने मोहब्बत मिली और तू खो गया बदलते ही किस्मत ये क्या हो गया क्या हो गया खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद तेरी याद आई तेरे जाने के बाद तेरी याद आई अभी जो आपने गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म आन से ये 1952 में प्रदर्शित हुई थी और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने अभी कुछ समय पहले हमने 51 में प्रदर्शित हुई फिल्म बाहर की बात की थी चलिए उसका दूसरा गीत आपको सुनाते हैं शमशाद बेगम की आवाज में चले आपको सुनाते हैं फिल्म ढोलक से शमशाद बेगम की ही आवाज में ये गीत ढोलक
बात करते हैं 1953 में प्रदर्शित बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था अलिफ लैला। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे निम्मी, आशा माथुर, विजय कुमार, प्राण, मुराद, अमृत, राणा, माया देवी और गोप। इस फिल्म का जो गीत लिखे थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था श्याम सुंदर ने, इसके गीत मोहम्मद रफी, तलत महमूद, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाए थे। तो चलिए सुनाती हूँ आपको इसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। क्या रात सुहानी है, क्या रात सुहानी है, आज जमाने की हद शह पे जवानी है। अनमोल निशानी है, अनमोल निशानी है, तू मेरे पति के कह दो निगाहों में, कुछ कह दो निगाहों में, आज सिमट लाओ तरसी हुई बाहों में, कुछ कह दो निगाहों में। हसरत है निगाहों में, हसरत है निगाहों में, दूर कहीं चल दूं छुप कर तेरी बाहों में, तकदीर संभल जाए, देर संभल जाए, गर मेरे जीने पर ये जुल्फ मचल जाए। ये रात न ढल जाए, ये रात न ढल जाए, सुबह के
दोस्तों अब सुनते हैं 1951 में ही प्रदर्शित फिल्म बुजदिल से एक गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे किशोर साहू, निम्मी, प्रेमनाथ, सहगल, चिकू और कन्हैया लाल। इस फिल्म का संगीत दिया था एसडी वर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दामन से जो 1951 में प्रदर्शित हुई थी। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
का न जाने कहाँ खो गया। तुमसे बिछड़े जहाँ हम वहाँ खो गया। अपनी दुनिया में बदली से छाने लगे हो याद आने लगी, हो याद आने लगी। Thank you.
हर रोज आए ये साधु मानी, हर रोज आए ये साधु मानी, सुन ले खुशी की कहानी, सुन ले खुशी की कहानी। आई आई रात सुहानी, सुन ले खुशी की कहानी, सुन ले खुशी की कहानी। तारों में ढूंढ रहे तुमको, तुमको नैन हमारे रात सुहानी। जाए घड़िया मिटती जाए आशा, देखे राह तुम्हारी मैं और मेरी निराशा। तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे। गुरु जग जग गुरु जग जगिन, गुरु तक तक गुरु तक तगिन, गुरु जग जग गुरु जग जगिन, गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हटी सुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी, आया रे आया रे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, इसे लिया है हमने फिल्म दो बीघा जमीन से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज, संगीत सलील चौधरी का। बैठना तू मन मारे आ, गगन चले जा पवन चले, आ जा मिल जुल के गाए जीवन का गीत नया, आ जा मिल जुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी,